ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वीके एक्सप्लेन। और तो दोस्तों अपना वो आज का वीडियो वही होने वाला है, वॉच दिस बिफोर वाला, जो हम हर किसी बड़ी मूवी और सीरीज के पहले बनाते हैं ताकि आपको अंदाजा लग जाए उस मूवी को देखने से पहले कि मूवी में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, जिससे आपको मूवी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये मूवी अब दुनिया जमाने की स्पॉइल हो रखी है, पर मैं टेंशन मतलब मैं इसमें स्पॉइलर के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, मैं उतनी ही बात करेगा जितना ट्रेलर में बताया गया है या फिर मैं इसके बारे में पता है। तो आप इस वीडियो को मूवी देखने से पहले भी देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और शामिल हो जाइए हमारे इस छोटे से परिवार में। सब्सक्राइब कर दो, तब तक मैं इंट्रो लाता हूँ। लॉकी का फर्स्ट सीजन पूरी तरीके से फॉलो किया है, उन लोगों को पता होगा कि सिल्वी ने लास्ट एपिसोड में क्या किया था और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में हमें मार्वल में मल्टीवर्स देखने को मिलने वाला है। और हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वांडा ने अपनी पावर्स को अनलीश कर दिया, उसकी वजह से मल्टीवर्स खुल गया। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से ही मल्टीवर्स खुला है। एंड हम सब लोग जानते हैं कि ये सिर्फ अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की गलती नहीं, इसमें अपनी सिल्वी का बराबर योगदान है। लोगों को पता नहीं है स्पाइडरमैन नो वे होम क्या है, जंगल वंगल में रहते हो, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि स्पाइडरमैन नो वे होम फार फ्रॉम होम के बाद आने वाली स्पाइडरमैन की एक और मूवी है, जहां इस मूवी की कहानी वहीं से टेक ऑफ होगी जहां फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी, अपने पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से। फार फ्रॉम होम के एंडिंग में मिस्टीरियस सब लोगों को बता देता है कि गंगाधरी शक्तिमान है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और इतना ही नहीं, वो स्पाइडी को एक विलन भी साबित कर देता है, वो लोगों के सामने ऐसे टेलीविजन में कास्ट कर देता है कि स्पाइडरमैन ने ही मेरे को मारा है। मतलब यार, मिस्टीरियो जाते जाते भी कमाल का गेम खेल गए हो। तो अब सवाल आता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम देखने के लिए आपको कौन कौन सी मूवीज देखनी होंगी। तो इसमें आपको सबसे पहले स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देखनी पड़ेगी, उसके बाद टोबी मैकग्वायर वाली तीनों मूवीज देखनी होंगी और उसके बाद एंड्रयू गारफील्ड की भी दो मूवीज देखनी होंगी, क्योंकि अगर रूमर्स की मारे तो वो दोनों भी इस मूवी में है और उनके विलन तो आ ही गए हैं, वो तो ऑफिशियली कन्फर्म है। हमने ट्रेलर में डॉक्टर ऑक्टोऑक्टेवियस को भी देख लिया, इलेक्ट्रो को देख लिया, सैंडमैन को भी देख लिया और ग्रीन गॉब्लिन तो है ही। अगर आपको स्पाइडरमैन के आने पे डाउट भी है तो फिर भी आपको इनके विलन्स के लिए तो उस मूवीज को जरूर देखना होगा। अगर आप चाहे तो मैं इन सभी मूवीज पे एक एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, जिसमें हम इन सभी मूवीज के बारे में एकदम डेडिकेशन से बात करेंगे, एकदम घुस के। बाद आता है डॉक्टर ऑक्टोऑक्टेवियस, जो कि अपने टोबी मैकग्वायर वाले स्पाइडरमैन 2 में आया था, उसके बाद स्पाइडरमैन 3 में सैंडमैन आया था अपने टोबी मैकग्वायर वाले ही, इसके बाद लिजर्ड है जो अपने एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 मूवी से आया, उसके बाद इलेक्ट्रो भी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से आया है। इन सबको मिलाकर मूवी में अब तक 5 विलन है और 6th विलन का रिवील नहीं किया है। अगर हम रूमर्स की माने तो इसमें हमें सिनिस्टर 6 देखने को मिलने वाला है। स्पाइडरमैन नो वे होम एंड गेम के 7 महीने बाद टेक प्लेस करने वाली है, जहाँ फार फ्रॉम होम 6 महीने बाद टेक प्लेस की थी, ये इवेंट उसके तुरंत बाद की। इसके बाद मूवी से ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि इस मूवी में हमें तो एक स्पॉइलर हो जाएगा, इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। इसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज अपीयर होंगे। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, पर सुनो, स्पाइडरमैन नो वे होम सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज की 2 मूवी से कनेक्टेड होगी, जहाँ इस मूवी में हमें वांडा, लोकी और सभी बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले। पर अगर हम मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें, जितना मुझे ट्रेलर को देखकर समझ में आया, मैं यहाँ लीक की बात नहीं करने वाला हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अपने नो वे होम की स्टोरी कुछ इस प्रकार होने वाली है कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि गंगाधरी शक्तिमान है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अपने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो अगर हम स्टोरी के बारे में बात कर ही रहे तो इसमें मैंने एक बहुत ही डिटेल तरीके से वीडियो बना के रखा है, ये वाला, इसको जरूर से चेकआउट कर लेना अगर आपके पास टाइम हो तो। एनीवे, तो अपने पीटर पार्कर इन सभी प्रॉब्लम से तंग होकर डॉक्टर साहब के पास जाता है मदद मांगने के लिए कि डॉक्टर साहब हमको मदद चाहिए। अपने डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पीटर की मदद करने के लिए एक स्पेल कास्ट करते हैं, पर पीटर के बार बार इंटरप्ट करने की वजह से वो फेल हो जाती है मिस्टेक और पूरा मल्टीवर्स खुल जाता है। स्पेशली स्पाइडरमैन के ही विलन्स इस यूनिवर्स में आने लगते हैं, जिसके बाद वो इस यूनिवर्स में आने के बाद काफी सारी तबाही मचाते हैं और काफी सारे लोगों को नुकसान भी करते हैं, जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ये सारे विलन्स हमारे दुनिया के लिए खतरा है और इनको वापस भेजना होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम ही सारे विलन्स को पकड़ोगे और उन्हें बंद करोगे, जिसमें से वो कुछ विलन्स को पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले होते डॉक्टर ऑक्टोऑक्टेवियस, जो उसे बताते हैं कि तुम भूतों को पकड़ने जा रहे हो, जिसपे और भी क्लियर करते हुए अपने डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि उनकी डेस्टिनी है स्पाइडरमैन के हाथों मरना। और हमने अब तक की स्पाइडरमैन की मूवीज में ये देखा भी है, डॉक्टर ऑक्टोऑक्टेवियस अपने टोबी मैकग्वायर वाले स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मरे थे, ग्रीन गॉब्लिन भी अपने टोबी मैकग्वायर वाले स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मरा था, लिजर्ड
मरा नहीं था बट वो अपने एंड्रू गार्फील्ड वाले स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मरा था। अगर मुझे इसे एक्सप्लेन करना होगा तो मैं इसे ये कहूंगा कि वो ठीक अपने मरने से पहले ही इस यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गए। पर फिर भी आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, उसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैटर तो वही करता है। आपको लगता है कि मैंने कोई चीज मिस कर दी या फिर आपके पास कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो उसके बारे में भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार दीजिए इस वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। मार दो यार, अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट शो करो। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो वहाँ भी आपको जरूर से फॉलो कर लो। फिर थोड़ा सा इंतजार करो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग।